लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने बृहस्पतिवार को हाजीपुर लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। यह सीट उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान की रही है। नामांकन दाखिल करने के दौरान चिराग पासवान ने अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी दी है। चुनावी हलफनामे के अनुसार चिराग 6 कंपनियों के शेयर होल्डर या उसके डायरेक्टर हैं। पासवान के पास कुल 2,68,75,873 रुपए की चलाचल संपत्ति है। उन्होंने विभिन्न कंपनियों में 35,91,000 रुपए निवेश भी किए हैं। चिराग पासवान ने 3 बैंकों में कुल 77,90,278 रुपए जमा किए हैं, जिनमें से नई दिल्ली स्थित केनरा बैंक में 3,65,179, नई दिल्ली स्थित भारतीय स्टेट बैंक में 1,42,599 और हाजीपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक में आपको बता दें 60,00,000 रुपए जमा है। सांसद के पास 250 ग्राम गोल्ड है, जिसकी कीमत 14,40,599 रुपए बताई गई है। सांसद चिराग पासवान ने अपने शिक्षा के बारे में बताया है कि उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की है। हलफनामे में उन्होंने बताया है कि वो अपने बीटेक की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी स्थित कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से उन्होंने बीटेक सेकेंड सेमेस्टर तक पढ़ाई की है। उन्होंने 10वीं और 12वीं दिल्ली से परीक्षा पास की है। चिराग पासवान के पास 30,00,000 की फॉर्चुनर कार और 5,00,000 रुपए की एक जिप्सी है। चिराग के दोनों कारों की कुल कीमत 35,00,000 रुपए है। फॉर्चुनर 2014 मॉडल की है, जिप्सी 2015 मॉडल की है। दोनों कारें दिल्ली में खरीदी गई हैं। बता दें कि जमुई संसदीय क्षेत्र से मौजूदा सांसद चिराग पासवान ने इस बार अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान के पुराने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में उनके उत्तराधिकारी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए यहां से चुनाव मैदान में उतरे हैं। रामविलास पासवान ने हाजीपुर लोकसभा सीट से कई बार निर्वाचित हुए थे। चिराग पासवान ने जमुई संसदीय क्षेत्र से इस बार अपने बहनोई अरुण भारती को चुनावी मैदान में उतारा है। पिछली बार दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस ने हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। बिहार में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए चिराग के नामांकन पत्र दाखिल करने के समय हाजीपुर में उपस्थित थे, जिनमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सबराज चौधरी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के पहले हाजीपुर में भारी भीड़ ने चिराग का स्वागत किया। उन्होंने एक रोड शो भी किया। इससे पहले अपने पटना आवास से निकलने से पहले चिराग पासवान ने पूजा अर्चना की। अपनी माँ रीना ने गले लगाकर उन्हें नामांकन पत्र दाखिल के लिए जाने के वास्ते रवाना किया। आपको बता दें चलें चिराग पासवान अपने माँ से खासकर बहुत ही वो ज़्यादा लगाव रखते हैं, अपनी माँ से उनको बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो आपको बता दें चलें चिराग पासवान के पास 2 करोड़ से ज़्यादा की अचल संपत्ति है, जबकि उन्होंने कई कंपनियों में निवेश किया है। पासवान के पास 2 कारें भी हैं। तो चिराग पासवान ने अपनी संपत्ति चल अचल संपत्ति का पूरा लेखा जोखा पेश किया है।